यस किया था, चार क्वेश्चन तो कर लिए थे राइट, मुझे ध्यान है फर्स्ट फोर क्वेश्चंस कर लिए थे, ये आप लोगों ने फाइंड आउट किया था। यू गॉट वैल्यू 10 राइट। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है? आवाज क्लियर है? हेलो, कोई आंसर करेगा? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा ओके थैंक यू। फाइन, हाँ तो फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 एंड टेन 15। तो साइन 75, साइन 75 मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ ओके, और टेन 15 आप लोग फाइंड आउट करना। तो हमको फाइंड आउट करना है साइन 75 डिग्री ओके। अब स्टैंडर्ड एंगल तो हमको 30 पता है, 40 पता है, 45, 40 नहीं, 45, 60, 90, दीज ऑल वी नो। 30 + 45 तो ना। हाँ साइन 75 वी कैन राइट एज 30 + 45, और 45 + 30, तो वी कैन राइट साइन 30 डिग्री + 45 डिग्री। नाउ साइन A + B, द फॉर्मूला वी नो, साइन A into cos B + cos A into sin B, तो ये फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला हमने लिख दिया। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, साइन 30 इज 1/2, cos 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2 into sin 45 is 1/√2, so this we get as 1/√2, and this we get as √3/√2. So finally my answer is √3/√2 okay. So this is the value of sin 75 degree. This is the value of sin 75 degree. Oh, sorry, 1 plus 1 plus. So √3 + 1 भी लिख सकते हैं, √3 + 1/√2। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? साइन A + B का फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप साइड में जगह है आपके पास तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला, एंड देर यू कैन राइट साइन A + B, साइन A cos B प्लस cos A sin B। आप ये पहले लिख लीजिए, सर आपने अभी तक वो मार्क्स नहीं भेजा। मार्क्स नहीं भेजे? मार्क्स मैं आपको यही बता देता हूँ, मार्क्स ऐसे मैंने भेजे थे, लेकिन चलो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। आई विल डिस्क्लोज योर मार्क्स हियर, फाइल ओपन, रेडी टेस्ट। सो मीत मीत को 12 मार्क्स मिले हैं, ऋषि को 15, स्पर्श को 20, प्रितेश को 15, राज को 20 और एलिसा को 13 मार्क्स। ये आपके मार्क्स हैं। अच्छा यहाँ पर वंश, वंश ने टेस्ट दिया नहीं? वंश हाँ सर, हाँ, क्या हो गया था तुम्हारा, रह गया टेस्ट देना? सर मेरा ठीक वो है खुद कोई ही नहीं बात नहीं, रहा था। कोई बात नहीं, ये महीने वापस से टेस्ट होगा तो ये महीने देखेंगे ओके। सर ये टेस्ट काउंट होने वाला है? ये टेस्ट अभी देखो, स्कूल तो कहता है कि बच्चों का टेस्ट लो, अभी आपके बाकी सब्जेक्ट के भी टेस्ट हो रहे थे, तो कैसे काउंट करेंगे? मे बी ऐसा हो सकता है कि ऐसे आपके जो 2-3 महीने के टेस्ट होंगे वो एक साथ काउंट किए जाएं। काउंट तो करना ही है, क्योंकि काउंट नहीं करेंगे तो आप सीरियसली लोगे नहीं टेस्ट को, और टेस्ट करने से मंथली आपको आइडिया भी आता जाएगा कि चैप्टर आपका कितना अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, तो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहोगे।
ये सब डिपेंड करता है कि ये लॉकडाउन कभी कितनी जल्दी ओपन होता है। लॉकडाउन लॉकडाउन मतलब स्कूल कितनी जल्दी चालू होता है। स्कूल जल्दी चालू हो गया तो पीरियोडिक टेस्ट आपके स्कूल में ही हो जाएंगे, नहीं चालू हुआ तो इस तरह से ही आपके टेस्ट होते रहेंगे मंथली मंथली, और फिर एवरेज लेना पड़ेगा। सर एवरेज लेंगे या बेस्ट लेंगे? अब वो स्कूल डिसाइड करे बेस्ट लेना है एवरेज लेना है। एक्चुअली होना तो ऐसा चाहिए कि 3 टेस्ट होने चाहिए, 3 में से 2 टेस्ट जो अच्छे होंगे उनका एवरेज लेना चाहिए। बोर्ड का रूल यही है, 10th का जो आपका बोर्ड होता है ना, बोर्ड में ऐसा ही होता है, 10th का हाँ, 12th वो का, पीटीज का कि बेस्ट ऑफ टू था। आपके 3 टेस्ट होते हैं, 3 में से जो 2 टेस्ट अच्छे होते हैं उनको लिया जाता है और उसका एवरेज कंसिडर करते हैं। ठीक है, sin 75 डिग्री फाइंड आउट हो गया। नाउ लेट अस फाइंड 10 15 डिग्री। सेकेंड प्रॉब्लम है 10 15 डिग्री। 10 45 -30 हाँ, 10 45 -30, या फिर 10 60 -45 भी लिख सकते हैं। बराबर सबको ये आंसर आ गया, √3 -1/√3+1। हाँ सर, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग, cos π/4 - x इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 - x एंड sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y। सर हाँ, सर ये जो कॉस एक्सप्रेस है वो सब फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन पूछते क्या एग्जाम में? डेरिवेशन नहीं, सीबीएसई में बहुत कम डेरिवेशन आपको नहीं पूछेंगे, बट डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। और इंटरनली तो पूछा भी जा सकता है, इंटरनली हम पूछ सकते हैं डेरिवेशन आपसे, पूछ सकते हैं कि डिराइव करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, डिराइव करो, वी कैन आस्क डेरिवेटिव। इसका तो ये रहेगा ना, cos 90 - x sin बाद में cos 90 - y, वो ही रहेगा ना। हाँ, 90 90 का है, π/4 है, π/4 कितना है? 45 45। 45। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो आप, थोड़ा जो सोच रहे हो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या दिया है, cos π/4 cos π/4 - x है, फिर cos π/4 - y है, फिर माइनस, बराबर ऐसे ही कुछ है, -sin π/4 - x sin π/4 - y। तो माइनस यहाँ पर sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। हाँ, वो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, sin x cos y + cos x sin y। हाँ तो यहाँ पर ना, ये तुम यहाँ पर इसको कंसिडर कर लो, लेट ये जो π/4 - x है इसको a ले लो,
ओके। और ये जो पाई बाई फोर माइनस वाई है इसको भी ले लो, तो जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। आप रिप्लेस नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट रिप्लेस से फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाता है। जैसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी को फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे पास में ए और बी की वैल्यू हमने एज्यूम की। तो दिस विल बिकम कॉस इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस इन प्लेस ऑफ बी वी विल पुट पाई बाई फोर माइनस वाई। -y सो दिस विल बिकम 2π/4 हो जाएगा। कॉस, हाँ पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर इज पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस ये जो एक्स प्लस वाई है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो इट विल बिकम साइन एक्स प्लस वाई। तो यही प्रूफ उसका करना था। फॉर्मूला है, उसका भी एक फॉर्मूला है ना। अच्छा ये मैं प्रूफ करा एंड प्रूफ, हाँ उसका भी फॉर्मूला है, बट हमको यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ करना था ना, तो वी हैव प्रूव दैट दिस इज साइन एक्स प्लस वाई, बराबर। तो इस तरह से विदाउट रिप्लेस के भी आप प्रूफ कर सकते हो, या फिर अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं इसको एक्सपांड कर दूं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो वैसा भी कर सकता है, लेकिन देन ये प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप इसका एक्सप्रेशन निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल बी वेरी वेरी लेंथी। लेंदी। अच्छा हाँ अगला हाँ कौन सा सर? क्या हो गया? नेक्स्ट कौन सा अच्छा नेक्स्ट सर? क्वेश्चन एक मिनट डन, सर, एक मिनट लिखने दो। बिल्कुल। अच्छा, लिखो। नेक्स्ट ऐसे ही सीक्वेंस में हम करते जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम वी सॉल्व इज बेटर। हाँ सर, हो गया। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन एक्स बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम लिख लेता हूँ मैं। प्रॉब्लम है टेन पाई बाई फाइव फोर बाय फोर एक्स, प्लस एक्स अपॉन टेन फाइव बाय फोर माइनस एक्स प्रूफ करना है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर।
यहाँ पर एलएचएस से अगर स्टार्ट करें, एलएचएस इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर इसको एक्सपांड करें तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस वन माइनस टेन ए बी टेन ए इंटू टेन बी। दिस इज होल डिवाइड बाई, यहाँ पर ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन ए होल डिवाइड बाई वन जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। पर यहाँ पर इसको इधर साइड में ही लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू ऊपर नीचे क्या होगा, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स, और इसका डिवाइड बाई, जो डिवाइड के लिए ये वाला साइन यूज कर लेता हूँ तो वो थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, जो डिवाइड है रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे, यस तो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन टेन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स, दिस विल बिकम वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स द होल स्क्वायर, इट इज आर एच एस ट्रू, इट इज आर एच एस, यस सर। वो वहां से नहीं समझा लेफ्ट वाले से। ओके मैं फिर पूरा रिपीट करता हूँ, देखो पहले तो आपने एलएचएस था, एलएचएस लिखा, ओके एलएचएस टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, फिर आपने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा डिनोमिनेटर में टेन ए माइनस बी, वन माइनस टेन वो कैसा आया? देखो टेन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए दैट इज टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स, अच्छा डिवाइड बाई वन माइनस, हाँ वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, फिर होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का भी फॉर्मूला अप्लाई किया टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। फिर ये डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर को हम डिवीजन का साइन अलग भी रख सकते हैं ना, कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसे नीचे का ऊपर जा रहा है वो तकलीफ होती है, तो मैं इस तरह से लग लेता हूँ। यहाँ पर टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन है तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और फिर ये इस तरह से आ गया, फिर डिवीजन को मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल किया एंड आ गया। अच्छा चलो थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट में करके ऊपर करो ना। हाँ हाँ यस, तो थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा।
ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स. अभी ये ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, देखो आता है क्या आंसर. कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है ना. हाँ कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, बराबर. Thank you.
हाँ बोल। अरे पाई वाई पाई माइनस पाई माइनस एक्स आएगा ना। हाँ साइन क्या ऊपर ऊपर कॉस कॉस पाई बाय एक्स बनने नीचे हाँ ये पाई माइनस एक्स है क्या पाई प्लस एक्स है ना कॉस पाई प्लस एक्स इनटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई प्लस एक्स तो तुम हाँ तो कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव एंड कॉस व्हेन इट विल चेंज टू साइन कॉस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन की वैल्यू अच्छा यहाँ पर कॉस हाँ कॉस कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स माइनस माइनस कैंसिल और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर डन। मैंने तो पूरा सब्स्टिट्यूट करके किया हाँ मैंने भी पूरा वैल्यू को सब डाल के किया कॉस 90 माइनस कॉट है माइनस साइन ऐसा है नहीं प्रतेश तुम्हारा आवाज ना बहुत रुक रुक के आ रहा है कट के सर ये cos पाई बाय 2 प्लस x है मतलब cos 90 प्लस x है cos 90 माइनस x नहीं हाँ cos 90 प्लस x है ना तो 90 प्लस x उसका भी फॉर्मूला है तुम्हारा एंगल है क्या क्या cos 90 प्लस x मतलब तुम्हारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है बट 90 के साथ कैलकुलेशन होता है तो cos विल चेंज टू sin सो इसके लिए मैंने sin लिखा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव थी इसके लिए माइनस साइन लिखा दिस इज माइनस साइन बिकॉज़ इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड वैल्यू शुड बी नेगेटिव सो देयरफॉर माइनस सिंपल सर कॉस 90 प्लस एक्स होगा तो हम उसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे हाँ यस हाँ हाँ बोलो अगर cos 90 plus x होगा तो हम उसको sin 90 minus sin x लिखेंगे नहीं तुम्हारा आवाज ना बहुत रुक रुक के आ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या मैं कह रहा हूँ सर मैं कह रहा हूँ कि अगर cos 90 plus x होगा cos 90 plus x x होगा तो हम उसको minus sin x लिख सकते हैं मैं वही पूछा था उसको वैसे लिख सकते ना नहीं नहीं योर वॉइस इज नॉट क्लियर पर पेज नंबर 65 पे देख लिखा हुआ सर वो पूछ रहा था cos 90 plus x को माइनस साइन x लिखना है ना हाँ cos 90 plus x इज माइनस साइन x ना परफेक्ट ना दिस cos 90 plus x दिस cos 90 plus x वी हैव रिटन माइनस साइन x राइट एंड सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ cos इज नेगेटिव सो माइनस साइन x So everyone got it, this question? Yes, shall we move to next problem? Next problem, ninth sir, problem. Sir, cos 180 plus x be minus sin x hoga. Cos 180 plus x is minus, yes, because we are in third quadrant. 180 cos plus 90 plus x minus sin x kaise? Mereko wo nahi samjha. Kya nahi samjha? Cos cos 90 plus x minus sin x कैसे आया अरे पेज नंबर 65 पे देख लिखा हुआ है वो भी एक आइडेंटिटी है ठीक है ठीक है ठीक है प्लस है ना 90 प्लस x है ना तो प्लस में से नेगेटिव बाहर निकाल ले हाँ 90 प्लस x है ना जैसे सपोज x इज 30 डिग्री तो 90 प्लस 30 इज 120 सो योर एंगल विल बी समवेयर हियर यहाँ पर आपका एंगल होगा एंड योर तो पॉजिटिव में होना चाहिए ना नहीं तो कॉस ना कॉस के लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं cos माइनस हां सो एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव सो देयरफॉर वी विल गेट ए नेगेटिव वैल्यू बट रेशियो विल चेंज फ्रॉम cos टू sin ओके सो देयरफॉर cos 90 plus x इज माइनस sin x अच्छा हाँ क्योंकि साइन उधर होता है ना साइन का उधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना हाँ यस मैं तो कितना लंबा किया था हाँ पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया
सो एक्सपांड करके भी आप कर सकते हो, बट बेटर एक्सपांड करके करोगे तो लेंदी हो जाएगा, विदाउट एक्सपांशन ट्राई करके देखिएगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम? एलिसा सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं? हाँ सर। नाइन्थ प्रॉब्लम, नाइन्थ प्रॉब्लम इज कॉस 3π/2 + x इंटू कॉस 2π + x इंटू कॉट 3π/2 - x इंटू प्लस कॉट 2π + x इक्वल टू 1। नाइन्थ प्रॉब्लम, तो नाइन्थ प्रॉब्लम वी राइट हियर। नाइन्थ प्रॉब्लम इज कॉस 3π/2 + x। कॉस 3π/2 + x देन कॉस 2π + x। एंड इन ब्रैकेट वी हैव कॉट 3π/2 - x, इन ब्रैकेट वी हैव कॉट 3π/2 - x एंड देन वी हैव प्लस कॉट 2π + x, प्लस वी हैव प्लस कॉट 2π + x। So this is equals to what we have to prove. This is equals to 1 we have to prove. So I am just starting, like I am considering this as my left hand side. Okay. अभी तक what I said that कि pi by 2 के साथ आपका कोई भी calculation होगा तो cos will change to sin, sin will change to cos. Now the same thing is applicable for 3π/2 also. आपका पाई बाई टू का कोई भी ऑड मल्टीपल होगा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल मीन्स पाई बाई टू इंटू 1 या पाई बाई टू इंटू 3 या पाई बाई टू इंटू 5, आपका रेशियो जो है साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि उस रेशियो का साइन क्या होना चाहिए। नाउ 3π/2 मीन्स यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 + x दैट मीन्स यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, and in fourth quadrant the value of cos is positive, so you will write here sin x, because sin cos will change to sin and the sin of cos will be positive, so I write sin. Now this is 2π + x, so 2π + x means what? I will neglect that 2π and I will write cos x. Then 3π/2 - x means I am in third quadrant, and in third quadrant first the cot will change to tan, and in third quadrant cot is positive, so I will write tan x. Then plus I will write cot x. This is cot x. So tan x plus cot x, and here it is sin x into cos x. Now this is sin x into cos x. This problem is something like we've done in 10th standard. This tan x I will write sin x upon cos x plus this cot x I will write cos x upon sin x. Then this will be equals to, this is sin x into cos x. Here sin into sin is sin square x. Cos into cos is cos square x divided by, here it is cos x into sin x. सर हाँ जी पूछो। कुछ नहीं, अब उसको कैंसिल कर देंगे ना। हाँ, sin square plus cos square is 1, so 1 divided by, here also I have sin x into cos x only,
So I will cancel and I will get finally answer as 1. सर सर मेरे को वो cos 3 pi by 2 plus x sin x कैसा आया वो नहीं समझा आपको अभी फर्स्ट स्टेप नहीं समझा दूसरा सब समझा अच्छा 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 ओके 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 देखो cos 3 pi by 2 x है ना मैंने आपको क्या कहा कि आपका pi by 2 का जितने भी odd multiple है जैसे pi by 2 सिर्फ रहेगा या 3 pi by 2 रहेगा या 5 pi by 2 रहेगा आपको cos को कन्वर्ट करना है sin में ओके और आपको फिर देखना है कि ये जो 3 pi by 2 plus x है ये पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव सो 3 pi by 2 plus x मींस यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट The value of cos is positive. Yeah. So therefore, your sin is positive and cos will change to sin. So you will write sin x. You will neglect this 3 pi by 2. So this Nein, is direct, direct change ho jayega. Matlab cos 3 pi by 2 upon x hai, to sin x. Direct. अभी हमने थोड़ा concept इसका तो पहले build up किया ना 90 plus theta, 90 minus theta के साथ में build up किया ना. ऐसे तुम यहाँ पर भी build up कर सकते हो. मैं तुमको एक बताता हूँ यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ कि जैसे यूनिट सर्कल हमने बनाया ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया यूनिट सर्कल से आया ना ये हमारा यूनिट सर्कल है अभी cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1/2 होती cos 60 हां हां राइट तो ये आप देखोगे कि अगर एंगल आपका 60 डिग्री है तो आपका ये इस तरह से 1/2 √3/2 रहेगा ठीक है जब मैं 270 प्लस 60 बोलता हूँ, तो 270 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 270 प्लस 330, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री बनेगा ना? हाँ। तो ये 30 डिग्री बनेगा, तो ये जो पॉइंट है, इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? अभी ये 60 डिग्री बना था, तो 60 डिग्री के लिए, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है क्या 60 डिग्री के लिए नहीं बराबर लिखा है अच्छा 30 डिग्री पे मेरा क्या होगा 30 डिग्री पे x जो वैल्यू होगी cos की वैल्यू वो क्या होगी √3/2 होगी √3/2 तो यहाँ पर ये √3/2 और ये वैल्यू क्या होगी -1/2 होगी हाँ तो मुझे क्या चाहिए मुझे cos 3π/2 plus x चाहिए ना मतलब मेरा ये एंगल है और ये एंगल पे x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है बराबर आप देखो डायरेक्ट cos 3π/2 plus x की वैल्यू क्या आ रही है √3/2 आ रही है ना और अगर डायरेक्ट sin x की वैल्यू देखोगे sin x x की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री sin 60 डिग्री देखोगे तो sin 60 का वैल्यू भी क्या है √3/2 ही है यहाँ पर जो हम मार्क कर रहे हैं ये वैल्यू दिस इज साइन 60 एंड दिस साइन 60 इज इक्वल टू दिस कॉस 270 प्लस 60 तो यहाँ पर अगर 270 के साथ कैलकुलेशन है तो क्या हो रहा है कि आपका जो साइन का वैल्यू है जो कॉस का वैल्यू है 270 प्लस थीटा में जो कॉस का वैल्यू है मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें वाई कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाता है खाली थीटा के लिए तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर हम बार बार डायरेक्ट इसके लिए कह रहे हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो तो उसके बाद सिर्फ ये ध्यान रखो कि कॉस विल चेंज टू साइन व्हेनेवर एंगल इज 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस आपका 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो कॉस इज गोइंग टू चेंज इन साइन एंड साइन इज गोइंग टू चेंज इन कॉस सिंपल क्या क्या वापस से बोलो अगर cos 180 plus x हो तो सीधा sin x अगर cos 180 minus x होगा तो cos 180 180 means pi pi 2 pi 3 pi pi के लिए हमारा रेशियो चेंज नहीं होता तो cos 180 minus x रहेगा तो cos 180 minus x will become अब सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव
तो कॉस 180 माइनस एक्स विल बिकम माइनस कॉस एक्स, कॉस 180 प्लस एक्स, कॉस 180 प्लस एक्स इट विल बिकम माइनस कॉस एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव ही रहने वाला है, सेकेंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, इसके लिए कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। अच्छा सर, मान लो 180 प्लस थीटा है, हाँ, और थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, नहीं तो वो लेना नहीं है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जब हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया है ना, तो हमने यहाँ पर एंगल जो है वो एक्यूट एंगल लिया है, वी हैव टेकन एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट फेज पे होता है, तुम तुम्हारा खुद के आइडिया को डेवलप करो, तुम आराम से एक बार थोड़ा टाइम लो, 1 घंटा 2 घंटा लो, और तुम थीटा की वैल्यू 90 प्लस ले लो, ओके 150 डिग्री ले लो, और फिर तुम राउंडर वगैरह लेके बैठ जाओ, और राउंडर वगैरह लेके ऐसे 6-7 सर्कल बना लो, यूनिट सर्कल बना लो, 150 डिग्री का एंगल बना लो, और फिर 150 में आप पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस ये सब ड्रॉ करके देख लो, आपको यही रिलेशन मिलेगा जो हमको यहाँ पर मिला है, आपको वैल्यूज भी परफेक्ट मिलेंगी, तो 90 प्लस करने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू आप हमेशा एक्यूट कंसिडर करो और ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो पहले 90 से नीचे वाले एंगल के लिए आप पहले एकदम फॉर्मूले सारे अच्छे से कर लो, मतलब डायग्राम ड्रॉ करके करना है, कैसे करना है वो पूरा एकदम समझ लो, कहीं कुछ क्वेरी होती है तो वो डिस्कस वापस से कर लो, कि वापस से एक बार डिस्कस करेंगे हम। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि जब 60 डिग्री में ड्रॉ करूंगा तो मेरा कोऑर्डिनेट 1/2 और √3/2 आता है, और जब मैं 270 + 60 दैट इज 360 ड्रॉ करता हूँ, मेरा √3/2 और -1/2 आता है। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो cos 270 + 60 की जो वैल्यू है दैट इज सेम एज साइन 60 की वैल्यू, और अगर मैं साइन 270 + 60 देखूँ तो साइन 270 + 60 माइनस हाफ है, तो जब भी साइन 270 होगा तो मैं कॉस को साइन में चेंज करूंगा, कॉस क्या कह रहा हूँ, साइन में बोल रहा हूँ ना, साइन तो साइन को चेंज करूंगा कॉस में, लेकिन साइन मेरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 270 प्लस मैंने कहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते ही समझ जाता हूँ कि मुझे साइन क्या लेना है, नेगेटिव, बिकॉज आई हैव टू चेक वाई एक्सिस। सर और वो cot 3π/2 माइनस एक्स वो tan x कैसे होगा? वो अब क्या है, वापस से पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है ना, तो ऑड मल्टीपल है तो cot विल चेंज टू tan, cos चेंज टू sin, sin चेंज टू cos, tan चेंज टू cot चेंज टू tan, तो आपका cot चेंज हो गया tan में, तो tan लिखा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर यहां पर मैंने tan x पॉजिटिव लिया। और ये क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो इसका मतलब कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हाँ आपका पॉजिटिव, tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव, क्योंकि cot क्या होता है 1/10, यस सर समझ गया सर, मतलब पाई बाय 2 जिसमें भी होगा तो उसका वो चेंज हो जाएगा, जैसे cot होगा तो tan, cos होगा तो sin, और cos होगा तो cos, यस sec, और पाई के बाजू में जो वैल्यू रहेगा वो क्वाड्रेंट में वो लाइक करेगा, बराबर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका,
Don't let me down. हो गया सर। ओके सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइन नाउ टेंथ प्रॉब्लम, साइन एन प्लस वन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सर एन प्लस वन एक्स को ए ले लेते हैं और एन प्लस टू एक्स को बी ले लेते हैं, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। हाँ तो कॉस ए कॉस बी एन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी हो जाता है, नहीं कॉस ए माइनस बी हो जाता है। हाँ तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रिप्लेस करो एंड यू विल फाइंड योर आंसर कॉस एक्स। हाँ परफेक्ट मिल जाएगा। हो गया सर, फिर खुद से कर लेंगे। हाँ ठीक है। 11th प्रॉब्लम, 3 पाई प्लस 4 एक्स है ना, तो 3 पाई प्लस 4 हाँ 3 पाई अपन 4 कितना हो जाएगा 45 इनटू 3। अभी यहाँ पर 3 पाई बाय 2 होता तो दैट इज ओके, बट 3 पाई बाय 4 है। हाँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना। अच्छा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद है क्या? कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस ए माइनस कॉस डी का कॉस डी, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई हमने किया था ना, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। यस ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव टू साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, फिर साइन कॉस फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई टू। ये थोड़ा सा उल्टा फॉर्मूला है, साइन फाइव माइनस थीटा हो जाता है। कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का था तो उसका उल्टा कर देंगे हम लोग। हाँ नहीं उल्टा कैसे करेंगे सर? अरे मतलब cos थीटा माइनस cos पाई का फॉर्मूला क्या किया था तुमने, 2 sin थीटा प्लस पाई बाई 2 इंटू साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, और तुमने ये किया था दूसरा जो तुम बुक में देखोगे वो रहेगा माइनस 2 और यहाँ पर रहेगा sin थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई 2। तो जब मैं माइनस साइन को बाहर रखता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई 2 और थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई 2 रहता है। तो ये माइनस टू अब थीटा प्लस फाइव, ये फॉर्मूला वापस एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। सर ये माइनस नहीं लिखा था आपने? हाँ ये डेरिवेशन नहीं कराया था आपने, बस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा तक ही कराया था। अरे तो कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव क्या करवाया था मैंने? कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव नहीं करा था, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा करा था। अरे कुछ भी करो ना, वो तो एंगल इधर उधर चेंज करो ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे माइनस 1 से दोनों साइड।
जब मैं कॉस थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई की जगह कॉस फाई माइनस थीटा कर रहा हूँ तो मेरा माइनस साइन बाहर आ रहा है, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है, मेरा ठीक माइनस है, साइन बाहर आ रहा है और क्या। माइनस वन को एल के सारे टेस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। हाँ हाँ बराबर। तो यहाँ पर बस अब एक आगे थीटा माइनस पुट प्लस फाई कर देखो, ये दोनों को ऐड करना है। लेना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये साइन, ये दोनों एंगल ऐड होगा तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया और 3π/4 प्लस 3π/4 अपॉन 2 किया तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, 3π/4 प्लस 3π/4 अपॉन 2 तो 3π/4 ही मिलेगा इनटू साइन, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π/4 3π/4 कैंसिल और यहाँ पर मुझे सिर्फ साइन एक्स मिलेगा, हियर आई विल गेट ओनली साइन एक्स। ओके फिर ये मेरा -2 साइन 3π/4 को आई कैन राइट एज पाई माइनस पाई बाई फोर इंटू दिस इज साइन एक्स। नाउ साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, सो दिस विल बिकम -2 साइन इनटू साइन पाई पाई बाय फोर बाई फोर इनटू साइन एक्स, साइन एक्स, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2, सो दिस फोर्टी फाइव माइनस 1/√2। इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, 2/√2 इज √2, सो दिस इज -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स। सर नहीं समझे मैंने, हाँ यही प्रूफ करना था हमको, -√2 ये नहीं साइन समझा एक्स। सर स्टार्टिंग का। हाँ साइन पाई प्लस पाई अपॉन टू का आपने कैसे लाया, वो नहीं समझा। क्या क्या ये अच्छा सब कैसे किया मैंने, क्या नहीं समझा, पहले फॉर्मूला नहीं समझा तुमने, मुझे तो पूरा ही समझ नहीं। पूरा सब नहीं समझा। अच्छा एक यहाँ मिनट पर सर ना सर 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 रुको रुको रुको, मैं तुमको ना फॉर्मूले का लिस्ट दिखाऊं पहले। अच्छा यहाँ पर फॉर्मूले का लिस्ट रखा नहीं है मैंने, हाँ ये ना फॉर्मूला है ना यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो, ये तुम यहाँ पर ये फॉर्मूला देख रहे हो, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज -2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड का साइन बराबर, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हाँ बराबर, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ ठीक है, तो पहले वाले में माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू इंटू 3π/4 अपॉन टू है ना, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3π/4। इतना ऊपर है हाँ अरे बड़ा एक्सरसाइज है, चैप्टर बड़ा है, काफी है। हाँ सर, समझ गया सर आ गया ना, वो। यस हाँ मैंने माइनस क्या, एक्स मैंने थोड़ा माइनस एक्स शॉर्टकट कर लिया, प्लस एक्स आप माइनस लोग एक्स करोगे कैंसिल हो थोड़ा जाएगा। प्रॉपरली लिखोगे कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा। हाँ आ गया सर, मैंने कर लिया। तो ठीक है यहीं पे स्टॉप करते हैं फिर हम, ओके सर, बाय राइट सर। ओके। अरे खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है ना इसमें, वो वाला। हाँ, हाँ ठीक, यू आप अगेन ना सर। अभी जो है ना, अभी आप वापस से फॉर्मूले को गो थ्रू करोगे ना डेरिवेशंस को, तो आपको मजा आएगा डेरिवेशंस को सीखने में, क्योंकि अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या तो समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमको, अगर फॉर्मूले में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप डेरिवेशन को वापस से एक बार गो थ्रू करो तो आपको पूरा अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, बुक का गो थ्रू करो, उन्होंने भी एकदम परफेक्ट मजे से समझाया हुआ है सर हमारा डेरिवेशन पूरा हो गया 20 तक। डेरिवेशन। हमने हाँ सारा डेरिवेशन देख लिया है या ठीक है थोड़ा बहुत सर। नहीं भी देखा होगा तो वो इसलिए नहीं देखा था कि मुझे पता था कि डेरिवेशन देखने में मजा नहीं आएगा जब तक तुम उसको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में यूज करना नहीं चालू करोगे। अब प्रॉब्लम कर रहे हो तो ओके मैं बोल रहा सर हूँ अब वापस वो डेरिवेशन को गो थ्रू करो थोड़ा थोड़ा, ठीक आपको है। डेरिवेशन समझेगा भी और डेरिवेशन को करने में अच्छा भी लगेगा, सारे डेरिवेशन खुद से आपको डिराइव करके एक बार देखने हैं।
बराबर। ओके सर, यस सर, ठीक बाय सर। है, आज थैंक सब यू सर, प्रेजेंट बाय मेरे ख्याल सर। से ना, एवरीवन इज प्रेजेंट। हाँ ओके, चलो हाँ बाय थैंक यू बाय सर, बाय बाय सर। सर, और बाय सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में कुछ लोगों को काफी अच्छा ये मिला है ना स्कूल की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोस्त। तीन चार बच्चे हैं बराबर, अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। थैंक यू सर, बाय। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।